हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको आज एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट जो ये रह गई थी कल वाले लेक्चर में, आज इस थ्योरम को बताऊंगा, फिर छोटे छोटे दो तीन एग्जांपल बताऊंगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन कब होता है, इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन कब होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊंगा जिसको आपको बेशबी से इंतजार है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन करेंगे, तब इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले इस थ्योरम में ये कह रहा है कि यदि ए और एम का जी सी डी 1 है तो वो 100% एक सॉल्यूशन रखता है। तो यहीं से समझ लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कितने सॉल्यूशन रखते हैं, तो जी सी डी उसका 1 है तो वो सॉल्यूशन एक रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसे मैं दो तरीका से प्रूफ करूंगा। पहले एक छोटा सा तरीका जो दो लाइन में प्रूफ हो जाएगा, उस पर कोई भी नंबर नहीं देगा, लेकिन फिर मैं इसे आपको जो 5 नंबर या 7 नंबर का है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रूफ। हम ये जानते हैं जी सी डी ए और एम का डी हो तो डी डिवाइड करता है बी को। इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने ये प्रूफ करा के दिखाई है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन से, और ये कह रहा है एज ए और एम का जी सी डी कितना है, 1 है। क्लियर, तब ये 100% डिवाइड करेगा बी को। 1 की डिवाइड तो हर एक में चली जाती है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो ये यही हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए एक्स इक्वल बी मोड एम हैज ए सॉल्यूशन एंड हैज ओनली 1 सॉल्यूशन हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, लेकिन इस पे नंबर नहीं देगा, एक नंबर टपकाएगा। क्या एक नंबर से आप खुश हैं? अगर खुश हो तो कमेंट करना। ठीक है, आइए तो अब हम इसे प्रूफ करा रहे हैं अनदर फॉर्म में, जो 5 से 7 नंबर का आएगा क्वेश्चन है। अनदर फॉर्म, प्रूफ, चूंकि ए और एम का जी सी डी 1 है और मैं कोई इंटीजर लेता हूं, दे आर एग्जिस्ट, मैंने ले लिया इंटीजर एक्स वन और वाई वन, कोई इंटीजर ले लिया अलग से, तब एक शर्त है, वो भी मैंने थ्योरम प्रूफ किया जस्ट इससे लेक्चर में। तो ए की गुणा करें एक्स वन में, ऐसे ए एक्स वन, और एम की गुणा करें वाई वन में, एम वाई वन इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, अगर इनका जी सी डी 1 हो तो इनमें कुछ भी गुणा करें तो वो 1 के जी सी डी के बराबर होगा, 100% होगा, जी सी डी उसका 1 ही निकलेगा। तब ये हो गया, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर डाले लेते हैं बाई बी बोथ साइड। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एक्स वन, इसमें मल्टीप्लाई करोगे एम बी वाई वन, इधर करोगे तो बी, इसको इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, ए बी एक्स वन माइनस के बी इक्वल टू एम माइनस बी वाई वन। अब मैं आपको रफ बता रहा हूं, रफ एम की इसमें अगर भाग कर दें ए बी एक्स वन माइनस बी अपॉन एम, तो बच रहा है बी वाई वन। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, पहली बार बता रहा हूँ, इसका इसमें डिवाइड हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस के बी वाई वन, दिस इज एग्जिस्ट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ ये एम डिवाइड करेगा किसको, ए बी एक्स वन माइनस बी को, क्योंकि इतनी बार चला जाएगा तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसे लिख सकता हूँ तो इसे फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी एक्स वन माइनस बी इक्वल टू एम मोड मोड एम, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन का, ये जो लिख रहा है ये क्वेश्चन कांग्रेस लिख रहा है, इसका यहां एक ही सॉल्यूशन आया बी एक्स वन, तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर बी एक्स वन इज सॉल्यूशन ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस ए एक्स इक्वल बी मोड एम, सो द कांग्रेस ए एक्स बी मोड एम,
हैज ए सॉल्यूशन यहां लिखे देता हूं, हैज ए सॉल्यूशन। अगर ये लाइन दिखाई ना दे रही हो तो मैं पढ़ रहा हूं, बस इसी को दिखा दिया है। सो द कांग्रेस, कांग्रेस फिर ये लिखोगे ए एक्स बराबर बी मोड एम, तो कांग्रेस ए एक्स इक्वल बी मोड एम क्या रखेगा, हैज ए सॉल्यूशन। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके जो दो आंसर आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये आपने पीएससी पार्ट वन में भी पढ़ लिया होगा, यूनिकनेस वाली थ्योरम मैंने कई जगह प्रूव की है और नंबर थ्योरी में भी करी है। ठीक है, आइए, इफ एक्स वन और एक्स टू आर इंटीजर हैज टू सॉल्यूशन ऑफ कांग्रेस क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी मोड एम, तो पहले x1 लगाएंगे तो यहां बनेगा ए एक्स वन इक्वल टू बी मोड एम, फिर दूसरा ए एक्स टू इक्वल टू बी मोड एम। इसमें से इसे यहां मान लीजिए सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि फर्स्ट मैंने मान लिया है, सेकंड माइनस थर्ड, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये हो गया जीरो मोड एम। इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड करेगा ए एक्स वन माइनस एक्स टू, माइनस यहाँ जीरो लिख दो या मत लिखो, ठीक है, कहाँ था ये वाला जो मैंने बटे में लिखा था, यहाँ b है और b की जगह पे यहाँ जीरो तो लिखते नहीं है, मेरा रखी दिखाया है। अब एक शर्त उसने यहाँ ये लिखा था, a और m का जी सी डी वन है, जी सी डी वन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बट a और m का जी सी डी कितना है, इसका मतलब a बराबर वन भी हो सकता है, तब मैं इसे लिख सकता हूँ m इज डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स टू। अब ये x1 माइनस एक्स टू किसके बराबर हो सकता है ये भी तो देखना है, जी सी डी यहाँ वन है तो इसका मतलब ये जीरो से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि m की डिवाइड जीरो में चली जाएगी और x1 माइनस एक्स टू, लेकिन यही चीज m माइनस वन से छोटी या बराबर हो सकती है, m माइनस वन एक इसमें से घटा दें परंतु ये छोटी होगी m से, क्लियर। इसका मतलब हम बराबर वाले को लेकर चलते, तो इससे क्या मिला हमें, इस वाले से x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, जीरो लगा दिया मैंने, हर एक में जीरो के बराबर लगे हर एक में, क्योंकि जीरो में भाग हो जाती है, ठीक है, कई बार जीरो बार, इसका मतलब x1 बराबर x2। जब ये आपस में दोनों बराबर आ गए, इसी को हम यूनिकली एक्सप्रेस भी कहते हैं और यही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैं एक लाइन लिखे देता हूँ दस, यहां से ए एक्स इक्वल टू बी मोड एम ऑलवेज हैज यूनिक सॉल्यूशन, कब, जब ए और एम का जीसीडी वन हो। तो ये थ्योरम कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कांग्रेस मोड एट इज इंटीजर थ्री। अब थ्री इसका सॉल्यूशन है कैसे वो देखते हैं, अगर यहाँ थ्री रख देता हूं तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 5 मोड 8, इसका मतलब 8 डिवाइड करेगा 21 माइनस 5। अब यहाँ में देखो 21 में थे 5 गए तो कितने बचते हैं 16, इसका मतलब 16 को डिवाइड कर रहा है दो बार, 8 दूनी 16 जीरो बचा, तो इसका मतलब वास्तव में सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही यहां देखते हैं, यहां लिख रहा है इज द इंटीजर तीन रखो सात रखो ग्यारह, तीन रख के देखते हैं तो तीन तीया नौ, वन मोर फोर, इसका मतलब फोर डिवाइड करेगा, सही बात है, सात रखोगे तो सात तीया इक्कीस, वन मोर, इसका मतलब इक्कीस माइनस वन को फोर डिवाइड कर देगा बीस बचेगा, यहाँ आठ बचेगा, ग्यारह आप खुद रख लेना। अब एक मैंने ऐसा लिया है कि यहाँ जीरो वन टू थ्री इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर एक्स बराबर जीरो रखे यहाँ तो भी हो गया जीरो वन मॉड फोर, इसका मतलब फोर डिवाइड करेगा जीरो माइनस वन, ये तो छोटा है चार से तो इसमें भाग जाएगी नहीं, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक्स बराबर वन रखते तो यहां दो हो जाता वन मॉड चार, तो यहां भी फोर डिवाइड नहीं करेगा टू माइनस वन, चार की एक में डिवाइड जाएगी नहीं, रेशनल नंबर बन गया, ये भी नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ दो रख देते हैं x बराबर दो तो टू टू जा फोर वन मोड फोर, तो ये चार डिवाइड नहीं करेगा चार माइनस एक को, क्लियर, चार माइनस एक को डिवाइड नहीं करेगा, ये भी नॉट पॉसिबल। तीन रखते हैं तो तीन दूनी छः
तो यहाँ 6 बराबर 1 मोड 4, इसका मतलब 4 डिवाइड 6 माइनस 1। यहाँ क्या है कि 6 3 2 6 में तो 1 गया तो 5, और 4 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो या ऐसे भी कट कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो आप अब समझ गए ये सॉल्यूशन थे और ये कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल और देख लो, एक एक मिनट की है। ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 207x 6 mod 18। क्या ये सॉल्यूशन रखता है, इसका सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले आप जीसीडी निकालेंगे। ए की जगह पे कितना है 207 और एम की जगह पे 18 है। इसका जीसीडी तो आप जानते ही है, निकालना मैंने कितनी बार किया है। इसका जीसीडी आएगा 9। अब ये 9 इसको भाग करता है कि नहीं? वेयर 9 does not divide by 6, 6 छोटा है, तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता 100%। इसका मतलब देयरफॉर दिस कांग्रेस हैज नो सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 2x = 12 mod 18। तो यहां वही जीसीडी, 2 2 और 18 का जीसीडी आप निकालेंगे तो 6 आएगा। वेयर 6 डिवाइड कर देगा 12 को, 6 2 12 है। इसका मतलब दिस कांग्रेस हैज ए सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है।